एंड एस यूनानी फार्मेसी फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, ये कैसी दवा है। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्ना ज्वेल्स, शाली बंडा, हैदराबाद। समझा रहे हैं कि आप लोग सो जाया करो, पढ़ाई करा करो और माँ बाप को भी समझाया, क्या असल इशू क्या था, क्या आपने समझाया है? एक्चुअली दो दिन पहले एक छोटा सा मोगलपुरा में सुल्तान शाही ग्राउंड पे थोड़ा झगड़ा हुआ था, कबड्डी खेलते वक्त झगड़ा स्टार्ट हुआ था। दो जगह का बच्चे खेल रहा था तो उसमें झगड़ा स्टार्ट हुआ, तो हमारा झगड़ा हुआ तो उसका रीजंस क्या हम जानना चाह रहा था। उसमें रीजंस के अंदर गए तो एक्चुअली वो खेलने पे झगड़ा स्टार्ट हुआ एंड उन लोग आपस में ढंग से हैंडल नहीं किया। तो हमारा ये था, मकसद था कि ये लोग खेल कूद बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो करेंगे तो उनका एनर्जी जो है चैनलेस होते। तो बट एट द सेम टाइम जब से खेलते वक्त ये सारी झगड़ा छोटा छोटा होते रहते, उसको कैसे हैंडल करना, कैसे आगे लेके जाना है, वो हमारा उन लोग को समझाना हमारा मकसद था। दूसरा चीज़ पेरेंट्स को भी समझाना था, रात को 11 बजे 12 बजे तक खेल रहे तो कुछ ये थोड़ी यहाँ पे वही ट्रेनिंग वेनिंग नहीं चल रहा था, तो आपस में लोग खेल रहे और रात को 11 बजे खेल रहे तो कुछ आप लोग कंट्रोल कर रखना भी ज़रूरत है। क्योंकि तो ये जब भी झगड़ा होते ना, आप लोग जो माहौल है उसको बिगड़ जाते, तो साथ ही रहते आमने सामने रहते आमने से झगड़ा कर लेते फिर जाके फिर मिलते, तो उसको कैसे जब भी कैसे सेटल करने है, कैसे बात करना है, कोई भी इश्यूज हम लोग उनको समझाना चाह रहा था। दूसरी चीज़ हम उन बच्चों को ये भी बताना चाह रहा था कि उनकी हरकतों की वजह से उनका पेरेंट्स को तकलीफ ना आए, तो उन लोग को उनको पेरेंट्स को सामने उनको काउंसलिंग इसीलिए किया कि उन लोग को पता हो ये सारी चीज़ पता हो जाएगा, तो कि उन लोग के हरकत कारनामा की वजह से उन लोग को माँ बाप को तकलीफ होते तो आगे से वैसे काम नहीं करेंगे। उसी सिलसिले में हम आज पेरेंट्स को और बच्चों को बुला के काउंसलिंग दिया ताकि आगे से वैसे इंसिडेंट ना हो। दो ग्राउंड सुल्तान शाही ग्राउंड पे तालाब कट्टे के लड़के और लोकल सुल्तान शाही के लड़के खेल रहा था, तो उसमें खेल रहा था, खेल वो मैचेस होते ना आपस में, पेट्रोलिंग होती थी 10 बजे के बाद लाइट बंद करके बंद कर देते। दस बजे नहीं बंद होते नहीं दस बजे नहीं बंद होते, ये गलत फहमी है। और दूसरी चीज रात भर लाइट ऑन ही होना चाहिए, ऑन ही होते, क्योंकि जब लाइट ऑन रहने से हम लोग वो डार्क एरिया नहीं होते और लोग फ्री लोग जब भी, क्योंकि तो आप देख रहे हो हमारा ओल्ड सिटी से बहुत लोग साइबर सिटी पे वगैरह पे काम कर रहे हैं, उन लोग का शिफ्ट जो रात को ख़त्म होते वापस आते वक्त भी रोशनी होगा तो आराम से आ सकते हैं। उसी रीज़न की वजह से आज का डेट पे हम लोग 24 आवर्स जी एच एम सी गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद जी एच एम सी ने ये ले लेंगे कि पूरा 24 आवर्स में रात भर रात तमाम लाइट जलते रहते ताकि ये लोग जो भी रात को ड्यूटी वैसे कर रहे रात भर कर रहे हैं तो उन लोग को भी हो जाए, तो वो गलत फहमी है कि रात को बंद हो जाते हैं। वन सेकेंड यही होते क्या, स्टूडेंट भी वैसे पढ़ते करते रहो काम दाम नहीं ना, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर लो, खेलो भाई, खेलने के लिए कोई मना कर रहा है क्या, कोई मना नहीं कर रहा है खेलने के लिए, हर चीज के लिए टाइम होते है, बाहर भी नहीं जा सकते, पासपोर्ट भी नहीं मिलता, एक केस हो गया बस पासपोर्ट बंद, पासपोर्ट नहीं तो कहीं आगे जाके पढ़ने कुछ स्कोप ही नहीं होगा।